तो जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आदित्य ब्लॉग के चैनल पे सौरभ जोशी जो इंडिया के नंबर वन अभी ब्लॉगर है, उनका चैनल नंबर वन 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है, उनका कमेंट आया हुआ है। सो जो आदित्य का ब्लॉग चैनल है उस पे काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं उनके चैनल पे जाके। और अब सौरभ जोशी के बाद मनोज डे ने भी उसके चैनल पे कमेंट किया है, तो ये कमेंट आप देख सकते हैं। मतलब एक अच्छा खासा कमेंट आदित्य के चैनल पे मनोज डे ने कर दिया है, तो अभी भाई इसकी तो चल पड़ी, मतलब आदित्य व्लॉग चैनल की चल पड़ी, और उसे अब ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट उसे मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम मुद्दे की बात करते हैं। आए दिन मनोज डे सौरभ जोशी पर काफी सारे वीडियो बनाते जा रहे हैं। अभी उन्होंने उनके ब्लॉग चैनल पे, जो मनोज डे का ब्लॉग चैनल है, वहाँ पे दो उन्होंने वीडियो बनाई है। अभी मनोज डे का जो टेक्निकल चैनल है जिसपे 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब उस पे भी उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अभी डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली उन्होंने तो वीडियो बनाया है, उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें पीयूष जोशी को लेके थंबनेल में उन्होंने वहां पे डायरेक्टली बताया कि वीडियो में बच्चा घुसाओ और व्यूज बढ़ाओ। तो यहाँ पे उन्होंने पीयूष और सौरभ जोशी को, मतलब सौरभ जोशी को टारगेट करते हुए भी वीडियो बनाया हुआ है कि अगर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, सडनली अगर ज्यादा व्यूज आते हैं तो घमंड नहीं करना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने अपने वीडियो में डायरेक्टली भी बोल दिया है। अब मेरा आपको बताने का तात्पर्य ये है कि मनोज डे सौरभ जोशी पर आए दिन वीडियोस क्यों बना रहे, क्या ये व्यूज के चक्कर में है? मतलब मनोज डे को ज्यादा व्यूज चाहिए, क्या ये वजह हो सकती है कि वो सौरभ जोशी को टारगेट करते हुए काफी सारे कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहे हैं? अब जो YouTube पे कंट्रोवर्सी चल रही थी मनोज डे सौरभ जोशी को लेके, तो ये तो खत्म होगी, पर मनोज डे यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे और चिंगम की तरह वो उसे खींचते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये व्यूज पाने के चक्कर में हो रहा है? तो चलो यहाँ पे एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जैसे मनोज डे हो गए, सौरभ जोशी हो गए, इनका चैनल लगभग सेम टाइम में ही शुरू हो गया था, समझ के चल सकते हैं, मतलब 3-4 साल पहले। और यहाँ पे मनोज डे के जो सब्सक्राइबर है वो 2 मिलियन है और सौरभ जोशी के 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। अब दोनों की बातचीत तो पहले होती थी, मतलब जैसे शुरुआत में तो बातचीत नहीं होगी, थोड़ा ग्रो होने के बाद में दोनों की बातचीत शुरू हुई और फैन फिस्ट में भी वो मिले थे। यूट्यूब फैन फिस्ट जो होता है 2018-19 की बात है, वहां पे भी वो मिले थे। अब दोनों का चैनल उतना ग्रो नहीं था, लगभग आप दोनों का चैनल सेम ही पकड़ लीजिए, पर यहाँ पे सौरभ जोशी को ज्यादा बूस्ट मिल गया है और उनके फैंस फॉलोअर लाखों में चले गए, करोड़ों में चले गए और उनके चैनल पे काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। जैसे वो एक वीडियो डालते हैं तो उनके चैनल पे मिलियंस व्यूज आ जाते हैं, और आज के तारीख में इंडिया का हर बंदा सौरभ जोशी को जानता है और उसके वीडियो देखना पसंद करता है। अब वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी, क्योंकि वो अपने वीडियो में फैमिली दिखाता है, उसमें छोटे बच्चों से लेके उसकी सारी फैमिली दिखती है जो लोगों को पसंद है, इसलिए तो लोग देख रहे हैं। तो क्या इस वजह से हो सकता है कि मनोज डे को सौरभ जोशी से थोड़ा जेलस फील हो रहा होगा, क्योंकि दोनों का ही साथ का चैनल है, दोनों की एज भी लगभग सेम ही है, पर सौरभ जोशी काफी ज्यादा आगे चले गए, इतने ज्यादा आगे चले गए कि मनोज डे को उनके पास तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि यूट्यूब यहाँ पे बूस्ट किसी को जल्दी दे देता है, किसी को टाइम लगाता है, पर यहाँ पे अगर बात करेंगे सब्सक्राइबर की, व्यूज की, तो सौरभ जोशी मनोज डे से काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पे क्या आप मनोज डे सौरभ जोशी को टारगेट करते हुए वीडियोस बनाने जा रहे हैं, मतलब बनाते जा रहे हैं और व्यूज पाने के लिए? क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा हो गया है कि हर कोई, अगर आपको अपने YouTube चैनल पे व्यूज बढ़ाने हैं तो सौरभ जोशी पे वीडियो बना लो। अगर आप सौरभ जोशी पे वीडियो बना लेंगे तो आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस काफी ज्यादा है और सौरभ जोशी को अगर आपने थंबनेल में भी लगा दिया या फिर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश की, तो आपके चैनल पे काफी ज्यादा व्यूज आने के चांसेस है। क्या यही बात है कि मनोज डे कंटिन्यूसली उस पर वीडियो बनाते जा रहे हैं, सौरभ जोशी पे वीडियो बनाते जा रहे हैं, कि हो सकता है कि मनोज डे को भी लगता होगा कि सौरभ जोशी अभी काफी ज्यादा पॉपुलर में चल रहे हैं और अगर उस पर वीडियो बनाते हैं और कॉन्ट्रोवर्सी चलती है तो हो सकता है मनोज डे को भी लोग पहचानना शुरू करें और मनोज डे का चैनल भी और ज्यादा ग्रो हो जाए। अब मनोज डे का जो ब्लॉग चैनल है उसमें भी उसने उसका एक छोटा भाई उसको भी अपने वीडियो में ला लिया है, जिस तरीके से सौरभ जोशी अपने वीडियो में पीयूष जोशी को लाते हैं। और यहाँ पे जैसे आदित्य का जो चैनल है उस पे सौरभ जोशी ने कमेंट कर दिया है, कमेंट करने की वजह से काफी लोग जैसे आदित्य पे वीडियो बना रहे और बता रहे कि सौरभ जोशी ने उसके चैनल पे कमेंट कर दिया है, तो ये देखते हुए भी हो सकता है कि अभी मनोज डे ने भी उसके चैनल पे अच्छा खासा कमेंट कर दिया। क्या ये भी वजह है कि वो सौरभ जोशी का कमेंट देख के काफी लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं, तो हो सकता है मनोज डे ने भी आदित्य के चैनल पे एक अच्छा खासा लंबा कमेंट कर दिया है, क्योंकि आदित्य का चैनल भी सभी को रिकमेंडेशन में जा रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर को जिनका ब्लॉग चैनल है और टेक्निकल का भी है, उनको रिकमेंड में जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या मनोज डे सौरभ जोशी को लेकर थोड़ा जेलस फील कर रहा है? अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। और यहाँ पे आदित्य का जो चैनल है जिसपे कंटिन्यूसली अभी बड़े बड़े यूट्यूबर के कमेंट्स आ रहे हैं, उनका चैनल भी अच्छा खासा ग्रो
हो रहा है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके चैनल पे भी काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और सब्सक्राइबर दिन के 5-5, 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। 5-5 हज़ार तो नहीं, 1000-2000 सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो क्या सच में मनोज दे सौरभ जोशी को लेकर थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं? क्या हो सकता है इसी वजह से वो कंटिन्यूसली वीडियो बनाते जा रहे हैं और कुछ हद तक सौरभ जोशी को भी कॉपी करते जा रहे हैं अपने ब्लॉग चैनल में? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में कोई नया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।